बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। अल्लाह ताला के पाक कलाम से आज का व्लॉग करते हैं शुरू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, आज का व्लॉग हमारा बाहर के मौसम के हवाले से है। बाहर बहुत ही प्यारा मौसम है, बारिश हो रही है, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो आए मैं आपको बाहर का अपना मौसम दिखाता हूँ। तो गाइस, ये देखें, यहाँ पर हम सियालकोट में आए हैं। यहाँ पे सुबह सुबह बारिश हो रही है और बादल बना हुआ है। बहुत ही प्यारा मौसम है माशाल्लाह। मैं इस मौसम को बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ माशाल्लाह। बहुत ही प्यारा मौसम, ये देखिएगा इस सियालकोट का, बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। और ये देखिए ऊपर माशाल्लाह कितने प्यारे बादल बने हुए हैं। मैं इस मौसम को बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ। ऊपर आकर दिल को बहुत सुकून मिल रहा ठंडी हवा में माशाल्लाह। और वो ये बहुत ही प्यारा मौसम है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए गाइस, अब आप इस मौसम को देखें। कितना ही प्यारा मौसम, बहुत ही प्यारा माशाल्लाह गाइस, बहुत ही ज़्यादा प्यारा मौसम है। मैं तो इस मौसम को गाइस बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा। तो ऊपर से गाइस, ये अप्रैल का महीना है और अप्रैल के महीने में इतनी ठंडी हवा, इतना प्यारा मौसम माशाल्लाह, क्या ही बात है। मैं ये तो बहुत अच्छा लगा ऐसे सियालकोट में आकर ये मौसम देखकर। तो मैं आपको मौसम दिखा रहा हूँ, आपने कमेंट्स में बताना कि आपको कैसा लगा। तो मुझे तो गाइस बहुत ही प्यारा लगा, बहुत ही प्यारा माशाल्लाह। ये देखें, ये बादल ऊपर है, अब बारिश हल्की हो चुकी है, पहले बहुत तेज़ हो रही थी लेकिन अब हल्की हो चुकी है। तो गाइस, अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये देखें माशाल्लाह, यहाँ पे बादल भी हैं और बादलों में से सूरज की किरणें बाहर को आ रही हैं। सुबह सुबह का मौसम है और बहुत ही प्यारा मंज़र है। और ये देखें, ये सूरज भी बादलों से बाहर निकल रहा है माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा मौसम। ये सूरज की किरणें देखें, यहाँ से भी किरणें बाहर आ रही हैं और यहाँ से भी आ रही हैं, ये देखिए माशाल्लाह। ये सूरज की रोशनी है और बहुत ही प्यारा मंज़र है माशाल्लाह। मैं इस मौसम को बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय कर रहा हूँ। और बारिश अब रुक चुकी है, पहले हो रही थी बट अब रुक चुकी है, अब ठंडी, बस अब हवाएं चल रही हैं ठंडी ठंडी माशाल्लाह। बहुत ही प्यारा सीन, ये देखिए गाइस, ये किरणें सूरज की। तो गाइस, ये देखें माशाल्लाह मौसम कितना प्यारा है। तो ये देखें आपको पूरे बर्ड्स कुदरत के मौसम को, अब ठंडी हवा को एंजॉय करते हुए आपको ऊपर के दिखाता हूँ बर्ड्स। ये देखें आप, ये बर्ड्स पिजन्स ठंडी हवा को एंजॉय करते हुए, ये आप देखें माशाल्लाह बहुत ही देर प्यारे लग रहे हैं और ठंडी हवा को एंजॉय कर रहे हैं। और पापा भी ऊपर आ रहे हैं हमारे साथ मौसम को एंजॉय करने के लिए माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा है कबूतर माशाल्लाह से। तो पापा ऊपर आ चुके हैं गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये देखें कितना प्यारा माशाल्लाह मौसम है, बादल, ठंडी ठंडी हवाएं। और एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें ये चीज़ माशाल्लाह, सूरज देखें, सूरज की किरणें और ये सूरज बादलों के नीचे से किस तरह, ये मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखें ये बात माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा मंज़र, ये हमारी कुदरत और उसके नज़ारे, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। ये देखें
कैसे सूरज की रोशनी हम तक पहुंच रही है, बादलों से कमाल का मंजर है। सुभान अल्लाह। आपने कमेंट्स में बताना है कि आपको ये मंजर कैसा लगा। और ये देखें, जैसा कि आपको हमने वीडियो में बताया कि हम एक फंक्शन के सिलसिला में लाहौर से सियालकोट आए हुए हैं, और यहाँ पे आते ही बादल ही बादल और सुबह की बारिश हो रही थी। अब बारिश के जब के थम गई है, ठीक है, और हवा तेज़ चल रही है, बादल जो हैं वो हल्के से सूरज से साइड पे हो रहे हैं। और ये देखें, ये कुदरत के नज़ारे हैं, बहुत ही प्यारे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देखें, और ये जूम में देखें थोड़ा सा, कमाल। ये चीज, और हवाएं देखें, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बात, ये घर के करीब मस्जिद है, इसका मीनार देखें, बहुत ही प्यारी मस्जिद। ये करीब से देखें, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मैं तो बहुत ही इंजॉय कर रहा हूँ अब ऊपर आके मौसम को, और सूरज एक मरतबा फिर बादलों की लपेट में जा रहा है। कितना प्यारा माशाल्लाह ये सीन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक का शुक्र है। तो गाइस, ये था हमारे सियालकोट में आज का मौसम, और आपने कमेंट्स बताना है कि आपके यहाँ मौसम की क्या सूरत हाल है, आपके यहाँ बारिश हो रही है या नहीं हो रही। हमारे यहाँ तो हो रही है, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी सियालकोट में। तो आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपकी तरफ बारिश हो रही है, क्या मौसम है, मौसम की क्या सूरत हाल है। और हमारे यहाँ तो बहुत प्यारा मौसम है। तो हमने इस मौसम को माशाल्लाह बहुत इंजॉय किया, बहुत ही प्यारा मौसम है। और आप हमसे शेयर करें कि ये बादल आपकी साइड पे भी हैं, बहुत ही प्यारे हैं। और जैसे कि अब गर्मी आएगी, तो इस गर्मी से पहले ये कुदरत का तोहफा है हमारे लिए थोड़ा सा कि बादल आए हैं, हम बादल को मौसम को इंजॉय कर रहे हैं। और बस इतनी सी बारिश बहुत है, क्योंकि आगे फसलें हैं जो हमारे लिए हैं, हमारे किसान भाई मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह पाक उनकी मेहनत को मुकम्मल करे और ऐसे तरीके से वो फसलें अपनी रिकवर करेंगे। और इतनी सी बारिश, ये बादल बस हमारे लिए बहुत है, यही तोहफा है, यही चीज़ है। अल्लाह पाक सब पे अपना करम करे, सब पे अपना रहम करे। और आप, मैंने मौसम को इंजॉय किया, असलान भाई ने मौसम को इंजॉय किया, और आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है, ज़रूर बताना है, और ज़रूर बताना है कि आपको ये हमारा बारिश का जो व्लॉग है, बादल का जो व्लॉग है, और जैसे सूरज और बादल आपस में खेल रहे हैं आसमान में, खुले आसमान में, बहुत ही प्यारा मंजर था जिसको मैंने कैमरे में कैच किया है अपने भाइयों के लिए, आपके अपने व्यूवर्स के लिए, अपने प्यारे से प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे वगैरह जो हमें देखते हैं, हमें लाइक करते हैं, हमारे भाई जो लाइक करते हैं उनके लिए। तो इसी के साथ मुझे और असलान भाई को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह हम सियालकोट में आए हुए हैं, ये सियालकोट के नज़ारे थे बादल के। और मज़ीद जब हम यहाँ से आउट होंगे तो ये देहात का माहौल है इधर सारा, हम आपसे वो भी शेयर करेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। और दो तीन दिन का हमारा यहाँ पे टूर है, ठीक है, एक फंक्शन है हमें वो अटेंड करना है, तो वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। तो आपने इस वक्त हमें दीजिए इजाज़त, आज का व्लॉग करते हैं ख़त्म। दुआ में याद रखिएगा, खुश रहिए, शाद रहिए, आबाद रहिए। और
जैसे ये ठंडी हवाएं हैं ऐसे ऐसे ही अपने लहजे रखें, ठंडे रखें मौसम की तरह। और कुदरत का ये हमें मैसेज है कि अपने आप को ठंडा रखें, प्यार करें, प्यार बांटें, खुशियां बांटें। और जैसे सूरज और बादल मिलजुल के काम चला रहे हैं, खेल रहे हैं, ऐसे हमें भी मिलजुल कर एक दूसरे से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, प्यार मोहब्बत बांटना चाहिए। और अब दीजिए इजाज़त, अपना डेरो ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। और हमारी आखिर पे जो मेन दुआ है कि हमारी ये दुआ है अपने तमाम व्यूअर के लिए, तमाम भाइयों के लिए, कि किसी की भी ज़िंदगी में कोई गम ना आए। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। अस्सलामु अलैकुम।